आकाल लोक से सीधा वाला अंदर प्रवेश करने का वहाँ मार्ग है, तो वहीं से हमने प्रवेश किया है। आप देख सकते हैं ये महाकाल मंदिर। गाइस शायद यही महाकालेश्वर मंदिर में प्रवेश के लिए द्वार है। हाँ गाइस यही है। तो यहाँ पर बहुत ही लंबी लाइन है, आगे से हमें आना पड़ेगा। गाइस ये बात है कि महाकाल मंदिर में अगर दर्शन करना है आपको तो बहुत ही लंबी लाइन में आपको लगना पड़ेगा और घूमते हुए आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि थोड़ी भीड़ ज़्यादा ही होती है, तो उसके लिए इनको सुविधा तो करनी पड़ेगी। ये तो भीड़ ज़्यादा होगी तो फिर दर्शन कैसे करवाएं। तो गाइस फाइनली हम महाकाल मंदिर में आ चुके हैं, यहाँ से जाते हैं और महाकाल के दर्शन करते हैं। हम भीड़ बहुत ज़्यादा है गाइस यार, क्योंकि आज संडे का टाइम है, आज संडे है तो इसलिए भीड़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। आप देख सकते हैं बढ़ते हुए यहाँ पर आपको मेरी आवाज़ नहीं सुनाई देगी क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है और क्राउड बहुत ज़्यादा हो रहा है। Thank you.
महाकाल लोक से सीधा वाला अंदर प्रवेश करने का वहाँ मार्ग है, तो वहीं से हमने प्रवेश किया है और फाइनली अब महाकाल मंदिर में जाएंगे। बहुत ही लंबा मार्ग है, मतलब जितनी भीड़ होती है उसके हिसाब से ये रास्ते को छोटा बड़ा करते रहते हैं। जैसे अभी इस टाइम पे क्या है कि कार्तिक का मेला भी चल रहा है, तो भीड़ भी बहुत ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर थोड़ा लंबा रास्ता कर दिया है, घूम के आना पड़ता है। आप देख सकते हैं ये महाकाल मंदिर, मारुति गाइस ये हनुमान मंदिर है, यहाँ पे महाकाल मंदिर के बाहर ही बना हुआ है। यूट्यूब पे देख लेना राहुल चौधरी ब्लॉग इंदौर, लिख देना राहुल चौधरी ब्लॉग इंदौर। यहाँ से मोबाइल अलाउड नहीं है, अगर बंद करवाइए। फिलहाल मोबाइल बंद करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ मोबाइल अलाउड नहीं है, मोबाइल जब्त कर लेंगे आने अगर हम देखा। फाइनल महाकाल मंदिर, हमने महाकाल का दर्शन आपको करवा दिए। यहाँ पर महाकाल मंदिर, अंदर तो हमें जाने नहीं देंगे, भीड़ थोड़ी ज़्यादा है। तो तो गाइस फाइनली हम महाकाल मंदिर से बाहर आ चुके हैं, तो लोग यहीं तक एंड करते हैं। गाइस अगर आपको ये लोग पसंद आया है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।